अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो कुछ गलतियां होती हैं जो कि हम लोग जनरली करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जनरली करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे, एक्स सर्विसमैन एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक गोल बनाना पड़ता है। गोल मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए आप कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के लिए नहीं करके आप करने चाह रहे हैं 1 ईयर के लिए, मान लीजिए 1 साल पैसा रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि जैसे डेट म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट मच बेटर ऑप्शन होता है, जो कि एफडी के तरह रिटर्न दे देगा आपको और उससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो आपको ये पता होता है कि मैं जब भी चाहूँ निकाल सकता हूँ, रिटर्न एफडी के तरह मिलेगा। और अगर मैं बिफोर जो हमारा टाइम है उससे पहले निकाल लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये मच बेटर ऑप्शन होता है। दूसरा जो गलती हम लोग करते हैं कि टाइम करने लगते हैं मार्केट को, लाइक जैसे कि मैंने देखा कि मार्केट क्रैश हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, या फिर मार्केट जब ज़्यादा है तो मैं SIP को रोक दिया, मार्केट अप है तो SIP को रोक दिया, ये बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, जब मार्केट डाउन हो तो उसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट जरूर ऐड कर सकते हैं आप लमसम, लेकिन SIP को कंटिन्यू रखें। SIP को अगर आप डाउन करते हैं या फिर उसको स्टॉप करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज ऑफ कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। मार्केट के रुपी कॉस्ट जो एवरेज होता है, उसका मतलब ही होता है कि जब आप अप मार्केट में, डाउन मार्केट में, सब तरह के मार्केट में SIP चला रहे हैं तो आपको क्या वहाँ पर रिटर्न दिखता है, लॉन्ग टाइम में आपका एक वेल्थ हो जाता है। वो क्या होता है, अब मान लीजिए कि आज जिस चीज़ का 10 रुपये प्राइस है, 10 साल के बाद वो 8 रुपये नहीं होगा, तो आज अगर आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं तो मच बेटर होगा आफ्टर 10 ईयर्स के लिए। तो गोल जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए, वैसे ही आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ फटाफट और खटाखट, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करेंगे चेजिंग हाई रिटर्न्स। अब देखिए क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड जनरली अगर देखते हैं तो हम, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड बताता हूँ तो आप क्या करते हैं कि दूसरे म्यूचुअल फंड को मुझे बताने लगते हैं कि इसने ज़्यादा रिटर्न दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड को सिर्फ रिटर्न देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड कि आगे भी उतना ही रिटर्न देगा। क्या पता उसका फंड मैनेजर चेंज होकर दूसरे फंड में चला गया होगा। फंड जो मैनेजर होता है वही रिटर्न दिलाता है, ना कि फंड ऑटोमेटिक रिटर्न नाम पे चलता है। तो उसके साथ अल्फा देखना पड़ता है, बीटा देखना पड़ता है, स्टेनो रेशियो देखना पड़ता है, टेलर रेशियो देखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्ट देखने पड़ते हैं, तब जाके म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसको सिर्फ रिटर्न के बेस पे ही कि मैं रिटर्न देख लूं और मेरा ड्यूरेशन कम है फिर भी मैं वही फंड ले लूं जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, तो ये गलती ना करें। उसके बाद जो चौथी नंबर गलती है, जो जनरली मैंने देखा है जब आप मुझे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट जब भेजते हैं, जैसे कमेंट्स में भी मैंने देखा, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप लोग कि म्यूचुअल फंड एक नहीं, आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप टू मेनी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं? मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि आप कर क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड में। एक कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड मच बेटर होता है, स्मॉल कैप में ले लिए उसी को लेकर देखिए, अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो 6 मंथ के बाद उसको चेंज कर दीजिए, या फिर हो सकता है एक कैटेगरी के 2 फंड ले लिए, लेकिन 15-20 फंड लेने की क्या रिक्वायरमेंट है मुझे नहीं समझ में आता। और इससे क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको एक्चुअल कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। तो ये बात याद रखिए, टू मेनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको यहाँ पर हेजिटेट होगा, इन्वेस्टमेंट आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज पांचवा पॉइंट है इग्नोरिंग रिस्क प्रोफाइल एंड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है कि मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं क्या करता हूँ कि आपको एक बैलेंस फंड देता हूँ या फिर मल्टी एसेट फंड देता हूँ। रीज़न, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आप अगर मार्केट गिरे तो गोल्ड का मार्केट अगर स्टेबल रहे या दे तो वहाँ पर आपको रिटर्न ना गिरने देना भी एक सेफ्टी होता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, इस तरह के फंड क्या करते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग
मार्केट वैल्यूएशन जब अप डाउन होता है तब, जैसे मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लेके रखा है, उसके बाद देख रहे हैं कि आप मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है और आप वहाँ पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन आपका एक म्यूचुअल फंड है जो कि गिर नहीं रहा है, एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आता है कि लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सके और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि आपका अमाउंट अगर नेगेटिव नहीं जाता है तो इसका मतलब कि आपको रिटर्न जब मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। लास्ट, इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी एट वन गो, कहने का मतलब है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे एक डायरेक्शन में करते हैं। अब देखिए, एक डायरेक्शन में कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड लिया, 15 म्यूचुअल फंड लिए या 10 म्यूचुअल फंड लिया, 10ों का एक ही AMC ले लिया, यानी कि एसेट मैनेजमेंट के SBI का कॉन्ट्रा, SBI का बैलेंस फंड, SBI का इक्विटी ब्लू चिप फंड, SBI का स्मॉल कैप, तो ये क्या हो गया कि आप जब SBI का फंड रिटर्न खराब देगा तो आपका सभी फंड रिटर्न खराब देगा, यानी कम देंगे, कम रिटर्न भी मैं समझता हूँ कि खराब रिटर्न है। तो आपको क्या करना है कि AMC को डाइवर्सिफाई करना है। AMC को डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि आपके पास ICICI के भी एक फंड ले लीजिए, SBI का भी एक ले लीजिए, एक पराग पारिक ले लीजिए, और इस तरह से आप अपने AMC को डाइवर्सिफाई कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेगा। फाइनली मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, अगर आप SIP कर रहे हैं तो कभी भी SIP को स्टॉप ना करें, SIP को कंटिन्यू करें अगर आपको अच्छा रिटर्न देना है। उसके बाद आप 3 साल तक यहाँ पर पैसेंस रह के बैठे, यहाँ पर आपको समझना है संतोष धन सबसे बड़ा धन, आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा 3 साल तक। ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया कल और परसों आपका पैसा डबल हो गया या 5 साल में डबल हो गया, गारंटी रिटर्न है, बिल्कुल नहीं। जो भी ऐसा कहता है वो जरूर फेक आपको स्कैम बता रहा है। कोई भी ऐसा स्कीम जो गारंटी बोलता है कि मैं 5 साल में डबल कर दूंगा, 3 साल में डबल कर दूंगा, डेफिनेटली वो एक बार कर देगा आपका, फिर दूसरे बार जब आप देंगे तो वो पैसा लेके भाग जाएगा। कितने सारे चीट फंड सहारा से लेकर, रोज वैली से लेकर आपने देखा होगा, जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके बहुत सारे चीट फंड उनको पता है। तो इस तरह के स्कीम से बचें, और जब भी मार्केट में करेक्शन नजर आए, आपका म्यूचुअल फंड जो सबसे ज़्यादा डाउन दिख रहा है उसमें लमसम करते रहें, बीच बीच में 2000, 4000, 5000 जो आपकी क्षमता है उसमें ऐड करते रहें। साथ ही आपको डेट फंड की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप फौजी भाई हैं या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ऑलरेडी आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें और वहीं से इमरजेंसी फंड आप ले। म्यूचुअल फंड को बार बार ना तोड़ें, जैसे 10 साल 5 साल में आप बार बार म्यूचुअल फंड तोड़ रहे हैं, या फिर 3 साल में आपको TV चाहिए, iPhone चाहिए, म्यूचुअल फंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो आपका गोल जो है माइंडसेट पूरा रिटायरमेंट के लिए रखिए, या फिर बच्चों के शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, इट विल बी बेटर फॉर योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मास्टर इन्वेस्टर। जय हिंद सभी को, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। आई होप कि आप लोग ये 7 गलतियाँ म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्टमेंट के समय नहीं करेंगे। मिलेंगे फिर से एक अनदर टॉपिक के साथ।